एबीपीएस न्यूज सच का साथी। मिर्जापुर में कृषि विभाग के द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों के कृषक व वैज्ञानिकों का साझा मंच बनाया गया। कम लागत व सीमित जमीन में उन्नत व बेहतर आय के साथ साथ ज्यादा पैदावार के उपायों को किसानों के साथ साझा किया गया। एक ही प्रांगण में किसानों के लिए कई विभागों से अधिकारी व उन विभागों के द्वारा किसानों को दिए जा रहे लाभ, कृषि यंत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, किसान स्वास्थ्य बीमा, मत्स्य पालन व किसान से संबंधित तमाम सुविधाएं व सेवाओं को एक प्रांगण में मुहैया कराए जाने की व्यवस्था से किसान लाभान्वित होते दिखाई दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किसान के इस प्रदर्शनी व मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान मंत्री ने बताया कि आज केंद्र व प्रदेश की सरकार किसान की आय को दुगना करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वही कृषि उप निदेशक अशोक कुमार उपाध्याय ने कहा कि खुरपी से लेकर ट्रैक्टर तक का इंतजाम सरकार के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा है। एबीपीएस न्यूज से वीरेंद्र गुप्ता की मिर्जापुर से एक रिपोर्ट। मेला लगा है, इसमें सारे विकास खंड के किसान भाई आए हुए हैं और ये विभिन्न स्टॉल, विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं, जिनको देख करके उनकी योजनाओं को किसान भाई समझें और अपनी आय को दूना करें। इस उद्देश्य से आज ये मेले का आयोजन किया गया है। एक दिवसीय मेला है और इसमें जैसे कि हर विभाग के लोग आए हुए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि इधर मृदा परीक्षण वाले आए हैं, जो मिट्टी के बारे में बता रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे उपयोग होगा उसके बारे में बता रहे हैं, मत्स्य विभाग वाले बता रहे हैं। इस तरीके से हमने उद्यान विभाग है, वन विभाग है, सारे विभागों को बुला करके ये प्रयास किया है कि किसान भाई हर विभाग की योजना को समझें और अपनी आय को दूना कैसे कर सकें ये सीखें। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक दूर दूर से आए हुए हैं, जो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो है जैविक खेती का प्रयोग करें, जैविक खेती करें जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।